बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो मेंटल एक हेल्थ कंडीशन की टाइप है, मेंटल डिसऑर्डर की एक टाइप है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो है उसका अनहेल्दी पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फंक्शनिंग और बिहेवियर हो जाता है। अनहेल्दी बिहेवियर पर्सन अडॉप्ट कर लेता है। इसके अलावा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है उस वो 10 तरह की होती हैं, इसके जो कि 3 क्लस्टर में डिवाइड की जाती हैं। फर्स्ट क्लस्टर जो है उसे क्लस्टर ए कहा जाता है, सेकंड क्लस्टर क्लस्टर बी और थर्ड क्लस्टर क्लस्टर सी। क्लस्टर ए में जो और किस्म के डिसऑर्डर पाए जाते हैं, क्लस्टर बी ड्रामेटिक इमोशनल डिसऑर्डर्स इसके अंदर पाए जाते हैं, क्लस्टर सी के अंदर एंजाइटी और फेयरफुल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो आ जाता है क्लस्टर बी डिसऑर्डर में, जिसके अंदर ड्रामेटिक हो जाता है बहुत ज़्यादा पेशेंट, ड्रामेटिक इमोशनल और इरोटिक डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है इसके अंदर पेशेंट जो तवज्जा का मोहताज हो जाता है, ठीक है, वो चाह रहा होता है कि लोग उसको तवज्जा दें, ड्रामेटिक बिहेवियर अपनाना शुरू कर देता है। ये डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादातर 18 से लेकर 35 ईयर के लोगों के अंदर पाया जाता है। इस डिसऑर्डर की ज़्यादातर खवातीन शिकार होती हैं, मर्दों में कम पाया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की, सिम्टम्स कौन कौन से पाए जाते हैं इसके अंदर। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि पेशेंट जो है वो अटेंशन सीकर होता है, वो चाह रहा होता है कि लोग उसको तवज्जो दें, उसकी बात सुने, इसके लिए वो ड्रामेटिक किरदार अदा करना शुरू कर देता है। इसके अंदर पेशेंट जो है उसका थिंकिंग थिंग्स जो होती है रिलेशनशिप के बारे में वो भी बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाती है। इसके अलावा उसके जो इमोशंस हैं वो रैपिडली चेंज होना शुरू हो जाते हैं, लाइक वो यकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसी टाइम ही वो बहुत ज़्यादा सैडनेस उसको फील होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वो एक्ट जो है वो पहले ही करना शुरू कर देता है चीज़ों का और सोचता बाद में है कि उसको ये रिएक्ट करना चाहिए था भी या नहीं। इसके अलावा पेशेंट जो है उसका बिहेवियर जो है इम्प्रोप्रिएट बिहेव करना शुरू कर देता है, ठीक है, अनस्टेबल सेल्फ इमेज हो जाता है उसका अपने बारे में, सेल्फ स्टीम जो होती है वो लोगों के अप्रूव पे बेस करना शुरू हो जाती है, ड्रामेटिक बिहेवियर करने लग जाता है लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए, ठीक है। अगर उसको लोगों की तवज्जो नहीं मिलती तो वो अनकम्फर्टेबल फील करना शुरू कर देता है। कॉजेज़ कौन कौन सी पाई जाती हैं, वजह बनती है इसकी मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अगर पेशेंट की डिस्टर्ब होगी तो भी पेशेंट जो है वो इस डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। इसके अलावा ड्रामेटिक एक्सपीरियंस, अगर पर्सन की लाइफ में उसको ड्रामेटिक इवेंट का सामना करना पड़ गया है तो भी पेशेंट जो है वो डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है, लाइक किसी प्यारे की डेथ हो जाए या फिर पेरेंट्स की डिवोर्स भी इसकी वजह बन सकती है। इसके अलावा इरिटेटिव बिहेवियर भी इसकी वजह बन सकता है। इनहेरिटेड फैक्टर लाइक अगर पेशेंट जो है उसकी फैमिली की थ्रू आउट ये डिसऑर्डर चलता आ रहा है, फैमिली में किसी पर्सन में डिसऑर्डर पाया जाता है तो भी इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो भी इस डिसऑर्डर के होने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी प्रिवेंशन की, इसमें आ जाता है सोशली रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आना शुरू जाती हैं पेशेंट को, डिप्रेशन एन्जाइटी का शिकार होना शुरू जाता है, ये इसकी प्रिवेंशन में शामिल होता है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आना शुरू जाती हैं पेशेंट को, और लंबे अरसे तक अगर ये डिसऑर्डर पर्सन के साथ चलता रहे तो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट जो है बेसिकली इसका दो तरीके से किया जा सकता है, मेडिकेशंस के थ्रू और साइकोथेरेपी के थ्रू। मेडिकेशंस के थ्रू इस तरह से कि पर्सन को एंटी डिप्रेसिव के थ्रू या फिर एंटी एंजाइटी ड्रग्स के थ्रू जो है वो पेशेंट को ठीक करने की कोशिश की जाती है। इस किस्म के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर एक ईगोस्टिक जो है ना वो वे देखने में मिलता है। इस किस्म के जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि उनको इलाज की ज़रूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उनकी थिंकिंग, उनका जो बिहेवियर होता है ना उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है। साइकोथेरेपी के थ्रू अगर इसका इलाज किया जाए तो साइकोथेरेपी के अंदर पेशेंट जो है उसका थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, उसको प्रोवाइड किया जाता है हेल्थी वे प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसका थिंकिंग पैटर्न जो है उसका रिलेशनशिप पर्सन के साथ जो है वो बेहतर किया जा सके। उसको उसके डर से निकाला जाता है जिसकी वजह से वो एंजाइटी का खौफ का शिकार हो जाता है। तो जी व्यूवर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।